तुम्हारा बदन पे चामड़ी भी नहीं है, तुम तो इतना गिरा हुआ औरत है, सब तुमको गाली दे रहा है, पूरा दुनिया तुमको गाली दे रहा है, फिर भी तुमको थोड़ा भी शर्म नहीं लग रहा है। हाय हेलो गाइस, वेलकम टू माय इंस्टा रफुल बोलास गाइस। आज का हुआ है, मैं आप लोग को बता रहा हूँ, आज राधिका जो काम किया है बहुत बढ़िया काम किया है, ये कदम पहले उठाना चाहिए, राधिका अभी उठाया है फिर भी बहुत बढ़िया काम किया है। तो राधिका क्या किया है मैं आप लोग को बता रहा हूँ। तो राधिका और राधिका का बाप जाके समर का ऊपर और गुनगुन का ऊपर FIR किया, FIR करके समर का घर पे गया, समर का घर पे जाके समर को और गुनगुन को FIR का पेपर दिया। तो पेपर देने के बाद गुनगुन देख के गुनगुन का मुंह सूख गया। तो गुनगुन बोल रहा है तुम लोग कितना गिर गया है, तुम लोग जाके हम लोग का ऊपर FIR कर दिया है, तुम लोग इधर बैठ के बात करना चाहिए। तो मैं गुनगुन को बोल रहा हूँ, राधिका का बाप कितना दिन से तुमसे बात कर रहा है, राधिका का बाप का बात सुना है क्या, तुम तो इधर पड़ा है और राधिका का घर खराब कर रहा है, तुमको शर्म नहीं है, इतना बेशरम औरत है तो तुमको थोड़ा भी शर्म नहीं लगता है, और तुम अभी बोल रहे हैं तुम लोग कैसा जाके FIR किया है। तो राधिका जाके FIR किया है, बहुत बढ़िया किया है, और राधिका और राधिका का बाप का साथ अभी झगड़ा कर रहा है, तुमको शर्म नहीं लग रहा है, और झगड़ा करके बोल रहा है मेरे को घर से निकाल के दिखा। तो तुम गिरा हुआ औरत है, राधिका ऐसा गिरा हुआ औरत नहीं है, ठीक है, तुमको तो शर्म नहीं है, तुम्हारा बदन पे चामड़ी भी नहीं है, तुम तो इतना गिरा हुआ औरत है, सब तुमको गाली दे रहा है, पूरा दुनिया तुमको गाली दे रहा है, फिर भी तुमको थोड़ा भी शर्म नहीं लग रहा है। और बाद में समर आके बोल रहा है तुम लोग जाके क्यों FIR किया है, मैं राधिका को घर से थोड़ी निकल के दिया हूँ। और तुम नहीं निकल के दिया है, तुम ऐसा काम किया है, तुम गुनगुन को नहीं भेज रहा है और राधिका के साथ तुम झगड़ा कर रहे, तुमको थोड़ा भी शर्म नहीं है, इतना बेशरम है तुम। तुम गुनगुन को लेके परेशान है और बीच पे राधिका परेशान हो रहा है, वो नहीं देख रहा है, तुम इतना गिरा हुआ इंसान क्यों है, मेरा तो ये समझ में नहीं आ रहा है। और अभी तुम्हारा माँ कहाँ चला गया, 2 दिन बाद आएगा, 2 दिन बाद आके बोलेगा तुम लोग मेरी को क्यों नहीं बताया, तुम लोग तो एक बार कम से कम बताना चाहिए, मुंह दिखाने के लिए मुंह उठा के कुछ भी बोल देगा, थोड़ा भी शर्म नहीं है उसको, वो भी गिरा हुआ औरत है, आके कुछ भी बोल देगा और बाद में बोलेगा मेरे को क्यों नहीं बताया, थोड़ा तो शर्म कर लो, पूरा दुनिया तुम लोग को गाली दे रहा है फिर भी तुम लोग का चामड़ी पे नहीं लग रहा है, नहीं तो एक काम करो पानी पे डूब पे मर जाओ, तुम लोग जैसा गिरा हुआ काम कर रहा है, पूरा दुनिया तुम लोग को गाली दे रहा है फिर भी तुम लोग को शर्म नहीं लग रहा है। और राधिका का बाप को बोल रहा हूँ 2 दिन बाद समर जाके तुम्हारा पैर पकड़ लेगा और तुम बाद में FIR भी ले लेना और समर को माफ करके दे देना, तुम भी कभी कभी समर का जैसा ऐसा हरकत करता है, तो इसलिए तुमको बोल रहा हूँ तुम भी थोड़ा शर्म कर लो, ठीक है, शर्म करके तुम भी FIR मत लेना और उसको ऐसा हाल पे छोड़ देना, तो बाद में उसको अक्कल आएगा और गुनगुन को घर से लात मार के निकालेगा, तो ये लोग का हालत क्या होगा तो आप लोग बाद में देखना, ठीक है, ये लोग का तो शर्म उरम कुछ नहीं है, ये लोग को गाली देने पे ये लोग को फर्क नहीं पड़ता है, तो तुम लोग जो कदम उठाया है कदम से मुड़ना मत, तो ये लोग का हालत देखना क्या होता है। और गाइस ये लोग का तो वीडियो आप लोग देख रहा है, ये लोग क्या क्या हरकत कर रहा है, ये लोग का तो वीडियो देख के मेरा तो दिमाग खराब हो जाता है। और गाइस मेरा चैनल जो सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज मेरा चैनल सब्सक्राइब कर देना और ऐसा वीडियो आप लोग को मिलते रहेगा।